क्या है पूरा मामला और क्या आप लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, जैसे आपको इस बात की जानकारी है, आज अखबारों में भी छपा है, कल शाम को जो है अजय नाम के एक व्यक्ति की सेक्टर 8 में जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। उस संदर्भ में मुकदमा भी दर्ज किया गया है जिसमें 6 लोग नामजद किए गए हैं और 2 अज्ञात में हैं। रात भर की कार्रवाइयों में हम लोगों ने उनमें से जो नामजद लोग हैं उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आज जो पब्लिक के सभी लोग आए हुए थे तो इनकी कुछ मांगे थी, कुछ चीज़ों में ये कार्रवाई से संतुष्ट थे, कुछ चीज़ों में असंतुष्ट थे, तो इनकी इच्छा ये थी कि हमारी सारी बातें सुनी जाएँ। उन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं जो SP सिटी मैडम और सिटी मजिस्ट्रेट ने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे रिसीव किया है। लगभग उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और जो जी देखिए, ये जो एक्शन हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसमें जो है बाकी सारी चीज़ों को, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, जो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा डेफिनेटली हम लोग NSA की तरफ लेके जाएंगे। ये सर, लोगों का आरोप है कि कल ये लोग आए थे और इन्होंने इस बात की शिकायत की थी, उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, कल शाम को ये लोग आए थे, लेकिन कल शाम को जो आए थे उसका इस घटना से कोई मतलब नहीं है। दुर्गा पूजा चल रही है, उन्होंने परसों अनुमति लगाई थी और वो अनुमति साइन हो गई थी थाने से, लेकिन वो अभी उनके तक नहीं पहुंची थी। उस विषय में आए थे कि दुर्गा पूजा जो उन्हें करनी है वहाँ पे वो किस तरीके से होगी, तो ये हुआ कि परंपरागत 2017 वर्ष जिस तरीके से होता है उसी तरीके से। सर, परिवार का आरोप है कि काफी दिनों से जो ये मृतक है ये शराब पहले भी कई शिकायत कर रहा था और उसके लगातार वीडियोज भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं जिसमें कि साफ दिख रहा है कि पुलिस खड़ी हुई है और शराब वहां पे बिक रही है, वो उसी लोकेशन का है, उसी लड़के द्वारा बनाया गया था, इसकी शिकायत करना था। परिवार का ये भी कहना है कि अगर वो आज कोर्ट जाता और पुलिस ने उसको लगातार धमका रही थी, इसमें क्या अब तक निकल गया? देखिए, इस तरह के तथ्य की कोई भी जानकारी पहले से अगर दी गई है तो वो हम लोगों के उससे अवगत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल से जो बातें हुई हैं और आज कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है तो उसके बारे में SSP महोदय ने भी जो है आश्वासन दिया है कि अगर वो चीज़ मतलब उनकी जाँच की जाएगी और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जाँच SP क्राइम महोदय को दी भी गई है, और इसमें जो भी अगर इसमें ऐसा कुछ है कि कोई लापरवाही किसी स्तर पर बरती गई है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी परीक्षण होगा सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। कौन सा मारने वाला?